अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। आप देख रहे हैं मतलूब इंफॉल जी, मेरा नाम है मतलूब अली। आज की वीडियो एक न्यूज के ऊपर है, क्रिप्टो के रिलेटेड न्यूज है। आपने सुबह से न्यूज सुनी होगी कि क्रिप्टो करेंसी को इंटरनेट के जरिए पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया जाएगा। कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और कायमा कमेटी ब्राय खजाना का इजलास हुआ था, उसके अंदर ये स्टेटमेंट आई है। तो सबसे पहले न्यूज देख लेते हैं डिटेल की न्यूज आई क्या है। तो वो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और आई टी डिपार्टमेंट का एक इजलास हुआ, जिसमें कायमा कमेटी ब्राय खजाना भी शामिल थी। उसके अंदर सेनेटर सलीम मांडीवाला साहब ने इस अजलास की सदारत की। तो वज़ीरे मुमलिकत ब्राय खजाना आयशा गौस पाशा साहिबा ने ये स्टेटमेंट दिया है कि क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान के अंदर कम्प्लीटली इंटरनेट की मदद से बैन कर दिया जाएगा, या इंटरनेट से बैन कर दिया जाएगा, और इन फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने का कोई इरादा नहीं है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट नहीं किया जाएगा। उसकी जो रीजन बताई है जी, क्रिप्टो करेंसी स्टेट बैंक ने स्टेटमेंट दिया कि क्रिप्टो करेंसी की टोटल मार्केट कैप जो है वो 2.8 ट्रिलियन से श्रिंक होके 1.2 ट्रिलियन रह गई है। अच्छा, अब ये पाकिस्तानी लोगों के अरबों डॉलर जो है वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपके इन्वेस्ट है, इसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो रही है। तो ये स्टेटमेंट है। तो अगर अरबों डॉलर किसी कंट्री से इन्वेस्ट है तो उतना कैशबैक भी तो आ रहा होगा क्रिप्टो करेंसी के अंदर। अगर कैशबैक नहीं आ रहा तो फिर इतने सारे लोग कर क्यों रहे हैं क्रिप्टो करेंसी, अगर उनको अर्निंग ही नहीं हो रही, सिर्फ अपना पैसा जाया करने के लिए कर रहे हैं। बंदा एक साल करता है, दो साल करता है, अब लोग तीन चार साल पांच साल से काफी ज्यादा हाई है क्रिप्टो करेंसी का। और पाकिस्तान थर्ड मोस्ट जो है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्रिप्टो करेंसी के अंदर नंबर तीन के ऊपर रैंक कर रहा है। सबसे ज्यादा यहाँ से लोग अर्निंग कर रहे हैं, और खासकर नौजवान तबका, हमारे जैसा आप जैसा नौजवान तबका जो है वो अर्निंग कर रहा है क्रिप्टो करेंसी से, क्योंकि ये आप घर से बैठ के कर सकते हैं, इजीली अर्न कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम दे के इसको अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट में आप फाइनेंशियली जो है वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो अब इस न्यूज के बाद क्या हमारे पास क्रिप्टो करेंसी वाकई ही बैन हो जाएगी, क्या हमारी इन्वेस्टमेंट जो हमने इन्वेस्टमेंट की होगी वो डूब जाएगी, या जो हमने एक्सचेंज के ऊपर पैसा रखा हुआ है वो उसका क्या होगा, क्या हमें पैसा निकाल लेना चाहिए वगैरह वगैरह, ये क्वेश्चन हर पाकिस्तानी के जहन में आ रहे हैं। जी मेरे इतने $1000 थे, इतने $100 पड़े हुए हैं, वो उनका क्या होगा, उनका क्या होगा। तो ये क्वेश्चन हम आज की वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले तो क्रिप्टो करेंसी, इस चीज को देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया जाएगा। पहले आप क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन देखें, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, एक ट्रांजैक्शन का मेथड है, ठीक हो गया। ये किसी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आ रहा, किसी इंस्टीट्यूट के अंडर नहीं आ रहा, कोई हेड या कोई चीफ या कोई इंस्टीट्यूट का हेड जो है इसका ऑनर नहीं है। क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज है, कोई कंट्री इसका ऑनरशिप नहीं रखता कि इसको बैन कर सके। तो ये चीज़ क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया जाएगा, ये मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज चीज है, इसको कोई कंट्री बैन नहीं कर सकता क्रिप्टो करेंसी को। अब ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान बैन करने पर आए क्रिप्टो करेंसी को और सारी दुनिया की क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दे ETC/EDC। तो ये चीज नहीं होगी, क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान बैन नहीं कर सकता। नंबर दो, क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट नहीं किया जाएगा। तो पहले कौन सा क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान के अंदर रेगुलेट है? पहले भी क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान के अंदर इलीगल है, लाखों लोग कर रहे हैं इलीगल है। तो उसके ऊपर कोई ला ही मौजूद नहीं है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ऐसा ला ही नहीं है जिससे टैक्स को इकट्ठा किया जा सके। गवर्नमेंट को चाहिए ये कि इसके अंदर ऊपर एक प्रॉपर ला रखे कि ये इतने फीसद टैक्स आपने अपनी अपनी इनकम का जो है वो गवर्नमेंट को पे करना है। इससे को गवर्नमेंट को भी अपना प्रॉफिट आएगा, टैक्स आवाम पे करेगी और लोग पे भी करेंगे। काफी ज्यादा लोग हाइप क्रिएट थी, तो लोगों ने कहा मुकाज का भाई और दूसरे तीसरे जो लोग थे उन लोगों ने कहा आप इस पर टैक्स रखे, लोग पे करेंगे, खुशी से पे करेंगे गवर्नमेंट को टैक्स क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। और सिंध हाई कोर्ट में 2018 से इसका केस भी चल रहा है क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन का और वगैरह वगैरह का। हाई कोर्ट बार बार अथॉरिटीज को कहते हैं आप इसके ऊपर कोई लाभ ना है, लेकिन उनसे लाभ बनता नहीं है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें चल रही है पहले भी। तो पिछले साल भी हमारे ऊपर एक इसी तरह का बम फोड़ा गया था, बिल्कुल यही जून जुलाई का टाइम था कि क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में बैन कर दिया जाएगा। और उससे पिछले साल भी, ये 2018 से रेगुलर हर साल आ रहा है, तो कुछ नहीं हुआ, पहले भी कुछ नहीं हुआ और अब भी कुछ नहीं होगा। उसके बाद ही हमारे फंड का क्या होगा, हमारे फंड किधर जाएंगे? तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आपने पैसा जो दिया है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं दिया, आपने पैसा दिया है एक्सचेंज को। एक्सचेंज बैन नहीं हो रही, एक्सचेंज ने ये नहीं कहा कि हम आपको पैसे नहीं देंगे, ना विड्रॉ रोका है एक्सचेंज ने, ना एक्सचेंज बाइनेंस ने या क्यूकॉइन ने ना कहा, ये नहीं कहा कि हमने क्रिप्टो को बैन किया है। ये सिर्फ एक स्टेट के कुछ लोगों का बयान है कि हम इसको बैन करेंगे, अब करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन बाइनेंस ने या किसी एक्सचेंज ने नहीं कहा कि हम इसको बैन करेंगे। हमारा पैसा जो पड़ा हुआ है वो एक्सचेंज के ऊपर पड़ा हुआ है, वो बाइनेंस के ऊपर पड़ा है, ना वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है ना किसी और गवर्नमेंट के पास है, वो हमने अपनी ट्रेडिंग के लिए बाइनेंस के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है और वो हमारी जो है उसकी मलकियत कह लेंगे वो हमारी है, और गवर्नमेंट ने हमें उसकी आदरशिप दी, सॉरी बाइनेंस ने हमें उसकी आदरशिप दी हुई है। तो वो स्टेट, कोई भी स्टेट उसको बैन नहीं कर सकती।
हाँ कुछ चीजें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है आपका इंटरनेट के जरिए इसको बैन किया जाएगा, वो क्या चीज है? वो ऐसे हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है कि जो हमारी बाइनेंस की वेबसाइट है, बाइनेंस की ऐप है या एक्सचेंजेस की जो ऐप और वेबसाइट्स है उनको पाकिस्तानी रीजन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बैन कर दे जी। आप www.binance.com जब सर्च करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर आप उसको ओपन नहीं कर सकते, आप बाइनेंस की एप्लीकेशन को पाकिस्तान के अंदर ओपन नहीं कर सकते, आप क्यूबन को पाकिस्तान के अंदर ओपन नहीं कर सकते वगैरह वगैरह वगैरह, तो और P2P को रोक सकते हैं। तो अगर ऐसा हो गया, फॉर एग्जाम्पल बाइनेंस को पाकिस्तान के अंदर उन लोगों ने कह दिया कि आप इसको ओपन नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? तो भाई इसका एक सिंपल सा हल है VPN। पाकिस्तान के अंदर मियां खलीफा भी बैन है, पाकिस्तान के अंदर जोनी भाई भी बैन है, लेकिन उनको भी लाखों लोग देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ VPN। तो VPN की मदद से जब मियां खलीफा जो पाकिस्तान के अंदर बैन है उसको देखा जा रहा है, जोनी भाई पाकिस्तान के अंदर बैन है उनको देखा जा रहा है, तो हम VPN के लगा के बाइनेंस को भी चला के ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाइनेंस ने ये नहीं कहा कि हमने आपकी ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी, आपका विड्रा रोक दिया, आपका डिपॉजिट रोक दिया वगैरह वगैरह, या आपको पैसे नहीं देंगे, आपके पैसे हमने बैन कर दिए, ये बाइनेंस ने नहीं कहा, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा के एक अदारे के एक शख्स ने कहा है। और उस अब इस पर इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता ये बात की बात है। अच्छा अब और क्या रिस्ट्रिक्शन लग सकती है? और रिस्ट्रिक्शन ये लग सकती है कि आपके जो बैंक के थ्रू P2P करते हैं, बैंक के थ्रू P2P हो रही है, जो P2P सेलर बैठे हुए हैं हमारे एक्सचेंजर बैठे हुए हैं, उनके अकाउंट्स डिटेक्ट हो सकते हैं, उनके अकाउंट डिटेक्ट होकर उन पर रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, उनके अकाउंट को गवर्नमेंट बैन कर सकती है, जो बैंक अकाउंट है बाइनेंस के अकाउंट नहीं बैन कर सकती, बैंक अकाउंट को बैन कर सकती है वगैरह वगैरह। उसका हल भी और कोई ना कोई निकल आएगा, आप बाहर से परचेज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है वो DRC20 नेटवर्क के थ्रू होगी या किसी भी क्वाइन में BTC के नेटवर्क के थ्रू होगी, तो उसको वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते, और इसका हल भी मौजूद है। VPN आप लगा के यूज कर सकते हैं। उसके बाद P2P अगर बैन हुई तो P2P का हाल ये है कि हम बाहर से कोई आपका दोस्त वगैरह बैठा हुआ है उधर से बैंक से परचेज करके हमें ट्रांसफर कर देगा, वहां पे सेल करके हम इजीली इसे अर्निंग कर सकते हैं। अब क्या वाकई बैन हो रही है या नहीं बैन हो रही, तो इसमें KPK गवर्नमेंट के अपने फंड पड़े हुए क्रिप्टो के अंदर, ये अपने फंड पड़े हुए क्रिप्टो के अंदर वो कैसे बैन कर सकते हैं? हमारे जो ब्यूरोक्रेसी में लोग बैठे हुए, बड़े बड़े लोग बैठे हुए, हमारी तो $200-$300-$400 इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, लोगों के हजारों डॉलर इन्वेस्ट पड़े हुए हैं जो हमारे किंग मेकर लोग हैं पाकिस्तान के, या पाकिस्तान के जो जिन्हें कह लें कि थम है, उन लोगों के पैसे पड़े हुए हैं क्रिप्टो के अंदर, तो वो कैसे बैन होने देंगे इसके अंदर? ये सिर्फ कुछ अफवाहें होती हैं, कुछ न्यूज़ होती है, कुछ हमारा मीडिया जो है इस न्यूज़ को ऐसा बढ़ा चढ़ा के पेश कर देता है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो इन फाइनल वर्ड्स आपने परेशान नहीं होना, हर चीज़ का हल मौजूद है। क्रिप्टो नहीं बैन हो रही पाकिस्तान के अंदर, क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज है, इसको कोई स्टेट बैन नहीं कर सकती। हाँ इसकी एप्लीकेशन को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है पाकिस्तान के अंदर ना चले, उसका हल VPN है। हमने VPN से टेलीग्राम को यूज़ किया, हमने VPN से फेसबुक को यूज़ किया, यूट्यूब को यूज़ किया, तो बाइनेंस को भी VPN से यूज़ कर सकते हैं। आपका जो फंड पड़ा हुआ है क्रिप्टो के अंदर, वो बाइनेंस ने ये नहीं कहा कि हम आपको विड्रा नहीं देंगे, तो परेशान नहीं होना, कोई आपने विड्रा नहीं लगाना, अभी कहीं नहीं जा रहे। जब बाइनेंस कहेगी कि हमने आपको बैन कर दिया पाकिस्तान के एरिया को, तो फिर हमारे लिए वो अलार्मिंग सिचुएशन है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है, तो इसमें कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है ऐसी, पहले भी ये हर साल ही कहते हैं हमें। उसके बाद हाँ ये चीज़ के हमारे तो थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट पड़ी है, $200-$300 यहाँ पे लोगों के लाखों डॉलर पड़े हुए हैं इसके ऊपर, इन एक्सचेंजेस के ऊपर, और वो लोग हैं जिनकी पाकिस्तान के हर जगह पे अच्छे खासे हाथ जाते हैं, तो वो इसको बैन नहीं होने देंगे। और गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इसके ऊपर एक प्रॉपर कानून साजी करें। हम टैक्स पे करने के लिए तैयार हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स देंगे, जितनी अर्निंग हम कर रहे हैं उससे जो गवर्नमेंट कहेगी कि आप इतने % टैक्स दें, हम उसके पाबंद होंगे, हम उसको टैक्स देंगे, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कोई चोरी नहीं करेंगे, पहले भी नहीं कर रहे, पहले आप ले ही नहीं रहे, हम तो पहले भी कह रहे हैं कि आप ले हमसे टैक्स, हम टैक्स पे करने को तैयार हैं, लेकिन हम अगर आप हमसे लेंगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा? हम टैक्स पे करेंगे, हर बंदा टैक्स पे करेगा, कोई ऐसा नहीं है इशू। इंडिया ने भी पहले बैन किया था, फिर उन लोगों ने इसको रेगुलेट कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रेगुलेट करे क्रिप्टो को। क्रिप्टो एक प्रॉपर फील्ड है, फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड है, यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन के लिए इन फ्यूचर क्रिप्टो का सहारा लेना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों की परेशानी कम होगी होगी अब, तो ऐसी न्यूज़ आती रहती है, यही चीज़ है कि ऐसी न्यूज़ का ही ही पेशेंट दिखाना जो है वो असल क्रिप्टो का मेन थीम है, जिसे हम कहते हैं कि आपने पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है ट्रेडिंग करते हुए, तो परेशान नहीं होना। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।